तो किसी भी एचवीएसी सिस्टम में, चिलर सिस्टम में आपका कंप्रेसर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर रहा है, आपके चिलर की एफिशिएंसी अच्छी नहीं है, और कई बार आपको मिलते हैं हाई सक्शन प्रेशर और लो डिस्चार्ज प्रेशर। आप लोगों ने सुना होगा लो सक्शन प्रेशर, हाई डिस्चार्ज प्रेशर, लेकिन ये उल्टा है, जो कि आपको यूट्यूब पे बहुत ही कम वीडियो ऐसा मिलेगा, या फिर बहुत आपको मुश्किल होगा ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आज मैं ऐसे ही वीडियो चुन के लाया हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी के लिए है, चाहे वो नॉर्मल देखने वाले हों, चाहे वो काम सीखने वाले हों, ट्रेनिंग लेने वाले हों, कोर्स करने वाले हों, या एचबीएससी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या चिलर का, या वो जो भाई हमारे काम करते हैं, मेंटेनेंस का काम करते हो, जो भी काम करते हो। तो मैं जो आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ सक्शन फिल्टर के बारे में, आप लोगों ने बहुत सुना होगा सक्शन फिल्टर। सक्शन फिल्टर बहुत सारे कंप्रेसर में होता है सक्शन फिल्टर। तो सक्शन फिल्टर आपको अक्सर चिलर में, कंप्रेसर में मिल जाएगा सक्शन फिल्टर। सक्शन फिल्टर क्या करता है कि जो गैस की साइकिलिंग होती है, गैस का जो सर्कुलेशन होता है, उसमें जो गैस में, अगर मान लीजिए कूलर से, वॉपरेटर से अगर कुछ कचरा आ रहा है, तो उसको ये फिल्टर करता है गैस को, तब कंप्रेसर के अंदर जाने देता है, नहीं तो कंप्रेसर खराब हो जाएगा इस वजह से। तो मैं अभी आप लोगों को ये बताऊंगा कि अगर सक्शन फिल्टर हमारा ब्लॉक हो जाए तो उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये सारी स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करें। अगर स्किप करेंगे तो कुछ हो सकता है कुछ पॉइंट्स छूट जाएंगे, इसलिए लास्ट तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके और पर सेलेक्ट करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, या पता उन्हें भी इसकी ज़रूरत हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। तो दोस्तों मैं अब शुरू करता हूँ, आप लोग बताना कि एक सिस्टम में, मैं एग्जाम्पल आपको लोगों को दिखाता चलता हूँ साथ के साथ। सक्शन फिल्टर ब्लॉक हो गया तो उसको हम कैसे पहचानेंगे कि सक्शन फिल्टर ब्लॉक हो गया। तो सक्शन फिल्टर जो ब्लॉक होगा, तो अक्सर हम लोगों का जो सिस्टम होता है, चिलर सिस्टम होता है, या जो कंप्रेसर होता है, उसकी परफॉर्मेंस ऐसे खराब होती है, कभी भी आप लोग देखेंगे जब कोई एसी चल रहा है, चिलर चल रहा है, सॉरी, अगर आपका कंप्रेसर चल रहा है, तो उसमें सक्शन प्रेशर, क्योंकि आप लोग बाहर से चेक करते हैं, कंप्रेसर के अंदर नहीं चेक करते ना, बाहर से चेक करते हैं सक्शन लाइन से। तो सक्शन लाइन में मान लीजिए आपका R22 गैस है, उसका प्रेशर नॉर्मली 60 to 70 PSI होता है। अगर उसमें आपको प्रेशर दिखा रहा है 90 लोड पे आने के बाद भी, जो लोडिंग और लोडिंग होता है ना, लोड पे आने के बाद भी अगर 70-80% दिखा रहा है, और जो डिस्चार्ज है वो 200 के ऊपर नहीं जा रहा है, तो आपके दिमाग में ये शक पैदा होगा कि ये सक्शन प्रेशर 80 आ रहा है और डिस्चार्ज मेरा 200 के ऊपर नहीं जा रहा है, तो आप ये सोचेंगे कंप्रेसर का पंपिंग फेल है, सही काम नहीं कर रहा, परफॉर्मेंस सही नहीं कर रहा है। तो ये अक्सर क्या होता है, उसके अंदर एक सक्शन फिल्टर लगा हुआ होता है, वो ब्लॉक हो जाता है। वो जब ब्लॉक होगा तो आपको ऐसी प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले मेक श्योर कर लेना है कि हाँ, वो सक्शन फिल्टर ब्लॉक है। तो उसके बाद का प्रोसेस मैं आप लोगों को भी बताता हूँ बिल्कुल क्लियर तरीके से, जो आप लोगों को इजीली समझ में आएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, सिस्टम को बंद कर देना है, टर्न ऑफ कर देना है, जो हमारा डोंगल स्विच होता है वहां से टर्न ऑफ कर देना है, या आपका जहां से भी हो वहां से आप लोग टर्न ऑफ कर सकते हो। टर्न ऑफ करने के बाद आपको क्या करना है, आइसोलेटर, उसका मेन आइसोलेट कर देना है, सेफ्टी से काम करना है। वो जब हो जाएगा तब आपको क्या करना है, लिक्विड लाइन से गैस को रिकवर करना है। आपको गैस रिकवर करना है, सबसे पहले गैस रिकवर कर लेना है आपका जो गैस है, क्योंकि वो वेस्ट नहीं होना चाहिए और ओजोन लेयर को डैमेज भी करता है, इसलिए बाहर नहीं छोड़ना चाहिए, वो आपको पूरा सही तरीके से रिकवर कर लेना है। गैस रिकवर करने के बाद आपको क्या करना है, सक्शन जो लाइन होता है कंप्रेसर का, जो कंप्रेसर के पास जो सक्शन लगा हुआ होता है, वहां से आपको सक्शन के बोल्ट्स खोल देने हैं। सक्शन का जो वाल्व होता है उसको क्या करना है, आपको निकाल देना है, वहां से 4 बोल्ट होते हैं, उसको खोल के निकाल देना है। निकालने के बाद गैसकेट आपको चेंज करना पड़ेगा, सक्शन फिल्टर बाहर ले लेना है। उसके बाद आप लोगों के पास जैसी सुविधा हो, लेकिन सबसे अच्छा मेरे हिसाब से एसिड से साफ हो जाता है, आप लोग पेट्रोल से कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से बिल्कुल क्लीन होना चाहिए फिल्टर। क्लीन कर लेने के बाद आप लोग उसको रीइंस्टॉल करेंगे। रीइंस्टॉल करने के बाद साथ के साथ जब आप लोग ये काम कर रहे हैं, तो ड्रायर कोर जरूर चेंज कर दें, फिल्टर ड्रायर जिसको बोलते हैं, क्योंकि ये भी अक्सर ब्लॉक होता है, तो ये भी बदलना चाहिए, उसको भी आप लोग बदल लें। ड्रायर कोर जब चेंज कर लेंगे, सेक्शन आपने फिक्स कर दिया, सेक्शन बल्ब वगैरह लगा दिया, ड्रायर कोर आपने लगा दिया, सब कुछ सही तरीके से टाइट हो गया, अगर आपको डाउट है तो आप लोग नाइट्रोजन सिलेंडर का यूज करें, नाइट्रोजन का प्रेशर उसमें डालें, और उसके लीकेज को हर जगह से चेक कर लें, सेटिस्फाई हो लें कि हाँ ये अभी सही है। उसके बाद नाइट्रोजन रिलीज कर दें और आप लोग वैक्यूम लगा दें।
वैक्यूम अच्छी तरीके से हो जाने के बाद एक भाई ने कई मरतबा मुझसे पूछा कि वैक्यूम 500 माइक्रोन या 30 PSI। तो हम लोग कई तरह से उसको नापते हैं। 500 माइक्रोन माइक्रोन हमारा अच्छा वैक्यूम है, और अगर हम PSI की बात करें तो 14.5 माइनस में PSI होते हैं और -1 bar। और जो हम लोग गेज में देखते हैं, आप लोग अक्सर देखते होंगे, तो वो -30 जो होते हैं वो HGIC ऐसे कुछ होते हैं, तो उसका मीनिंग दूसरा है, तो वो भी -30 होता है। कई तरह से हम लोग इसको देखते हैं। तो वैक्यूम हम लोगों को अच्छे तरीके से कर लेना चाहिए, उसके बाद रीगैस चार्ज करना चाहिए। तो गैस चार्जिंग जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप लोगों ने गैस चार्जिंग किधर से करना है, गैस चार्जिंग भी लिक्विड लैंड से करना है, क्योंकि आप लोग जानते हैं लिक्विड हमेशा लिक्विड लैंड से डाला जाता है, सक्शन से नहीं डाला जाता है, नहीं तो वो हमारे मैकेनिकल को कंप्रेसर को डैमेज करता है। तो लिक्विड लैंड से हम लोगों को गैस कंप्लीट कर लेना है जो हमने निकाला था। अगर वेट मशीन से निकालेंगे और वेट मशीन से डालेंगे तो सबसे बेस्ट है, नहीं तो जो चिलर की या HVAC सिस्टम की जो नेम प्लेट है उस पे जो दिया हुआ है केजी में जो रेफ्रिजरेंट कि कितना केजी इसमें जाना है, इतना केजी इतना 100 ग्राम, वो आप लोग अगर वेट करके डालेंगे, सिलेंडर का वेट अलग कर लें और गैस का अलग, और अगर वो डालेंगे तो सबसे बेस्ट है, सारी गैस पर से डाल दें। जब सारी गैस कंप्लीट हो जाएगी तब आपको कुछ देर तक पावर ऑन करके छोड़ना है, कम से कम 1 घंटे तक। अगर वैक्यूम हो रहा है तो वैक्यूम के टाइम में भी आप लोग पावर ऑन कर सकते हैं, क्योंकि 3 4 घंटा 5 घंटा 12 घंटा वैक्यूम करेंगे तो सबसे बेस्ट है, लेकिन कम से कम 5 घंटा तो करना चाहिए। तो वैक्यूम खत्म होने से 1 घंटा पहले आप लोग पावर वगैरह चालू कर दें, सिर्फ उसका जो स्विच है ऑन नहीं करना है कंप्रेसर को, ताकि जो क्रैंक केस हीटर होता है कंप्रेसर के अंदर, जो ऑयल हीटर होता है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए ताकि हमारा ऑयल गर्म हो जाए, क्योंकि ऑयल गर्म होना जरूरी है ताकि सही तरीके से लुब्रिकेंट हो सके हमारे कंप्रेसर के मैकेनिकल पार्ट्स, क्योंकि जब कंप्रेसर चलेगा ऑयल गर्म होगा तो लुब्रिकेशन अच्छी होगी। इसलिए कंप्रेसर का जो ऑयल हीटर है वो ऑन हो जाना चाहिए 1 घंटा पहले। बाद में आप लोग उसको जहां से आपने बंद किया है, आपका डिस्प्ले वाला हो सकता है या मैनुअल हो सकता है किसी भी तरीके का, तो आप कंप्रेसर को ऑन कर लें। उसके बाद आपका आपकी जो ये प्रॉब्लम आ रही थी जो हाई सक्शन और लो डिस्चार्ज की, वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी, दोबारा ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बिल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके और पर सेलेक्ट कर दें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्या पता उन्हें भी इसकी जरूरत हो। और ज्यादा से ज्यादा आप लोग चाहें तो अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कहीं भी मेरे वीडियो के लिंक को वीडियो को शेयर करते रहें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, ताकि मुझे भी खुशी हो और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो मैं बनाता रहूं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।